और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पर्स के बारे में। आपके पर्स में पैसों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें रखी होती हैं, जिनमें से कई तो बहुत समय से इस्तेमाल में नहीं आ रही होती। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनमें से कुछ चीज़ों को तो पर्स से बाहर ही कर देना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से आसपास निगेटिव ऊर्जा बढ़ती है, साथ ही आपको पैसों के मामले में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें पर्स में रखने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और बरकत आती है। पर्स के अंदर कटे फटे नोट, कोई फोटो या ख़राब कागज़ नहीं रखने चाहिए, इससे पैसों की आवक में कमी आती है। पर्स जितना साफ़ सुथरा होगा और उसके अंदर रखी चीज़ें जितने सलीके से होंगी उतना ही अच्छा रहता है। पर्स में एक लक्ष्मी माता की कागज़ की फ़ोटो जरूर रखें और समय समय पर इसे चेंज करते रहें, इससे आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। और इसके अलावा आप एक श्री यंत्र भी अपने पर्स में रख सकते हैं, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का ही एक रूप है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा पर्स के बारे में। उम्मीद है कि इस वास्तु टिप को अपना कर आप फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।